बाहर वालों के सामने अपनी पत्नी का मजाक उड़ाओ, यहाँ मैं अच्छा नहीं करता। मंगल, कार्तिक और लक्ष्मी की शादी के बाद ये पहला आयोजन किया जाएगा, धूमधाम से होगा, हम सब जाएंगे। चलो अब हम भी देख लेते हैं कि हम क्या पहनेंगे कल। धूमधाम से आयोजन होगा, चलो अब हम भी देख लेते हैं कि हम कल क्या पहनेंगे। चलिए आप भी जाइए। और मंगल, कार्तिक की दवाई लेकर भागी थी, उसे एलर्जी का अटैक आया था। गायत्री बता रही थी कि कार्तिक की सांसें उखड़ने लगी थी, सही समय पर मंगल दवाई लेकर पहुंच गई, वरना पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती और हमारे कार्तिक की जान बच जाती। हमें माफ कर दो, हमने तुम पर ऐसे कितना गुस्सा कर दिया। हमने तुम पर बहुत गुस्सा किया, हमें माफ कर दो बेटा। माँ आप ऐसा मत करिए, आपको क्या पता था, मुझे भी मैं भी इतना डर गई थी कि चल बातें में मुझे सुधी नहीं रही फोन करने की, आपको बताया ही नहीं। हम समझ सकते हैं कि ऐसी हालत में होश कहाँ रहता है फोन करके ये सब कुछ बताने का। और देखो ना, बेचारी लक्ष्मी से भी गलती हो गई, गलती से लक्ष्मी ने पीनट बटर वाली सैंडविच कार्तिक को खिला दी और उसको एलर्जी का अटैक आ गया और बेचारे की जान पे बनाई। आदित्य कैसी बातें कर रहे हो, बेचारी लक्ष्मी को कहाँ पता होगा कि कार्तिक को किस चीज़ की एलर्जी है, अभी अभी तो शादी हुई है बेचारी की, गलती से हो गया। गायत्री तो ये कह रही थी कि देवी बनकर आई मंगल कार्तिक की जान बचाई। खैर, जब खुद पे आबंदी है ना, तभी पता चलता है कि कौन क्या कर सकता। सच में आज तुम समय पे दवाई लेकर पहुंच गई और कार्तिक की जान बचाई।